बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, हमारा जो मुख्य रूप से टॉपिक है, हम चर्चा करेंगे बायो वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जिनके लिए मुख्य रूप से प्रॉब्लम आती है जब फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कई सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जब उन्हें अवकलन और समाकलन, डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पढ़ने को नहीं मिलता, हालांकि मैथ्स के बच्चे से बहुत विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। तो आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स उन्हीं बच्चों के लिए सॉल्व करूँगा, उन्हीं बायो वाले बच्चों के लिए सॉल्व करूँगा जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आगे मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन समझना बहुत ज़रूरी है, और उनके स्तर तक किस तरीके से उनका यूज होता है सबसे पहले ये समझना चाहिए। देखो, हम अवकलन और समाकलन का यूज करते कहाँ हैं? सबसे पहले ये देखें, ऐसी भौतिक राशि, ध्यान दें, ऐसी भौतिक राशि हो जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा हो, लगातार जिसमें परिवर्तन हो रहा हो। जैसे मान लो हमने शांत जल है उसमें पत्थर फेंका, तो देखते हैं जब पत्थर फेंकते हैं तो जिस जगह पत्थर गिरता है उस जगह गोल वृत्ताकार लहरें बनने लगती हैं जिनका आकार लगातार बढ़ता चला जाता है। तो उसमें जो व्रत बन रहे हैं उसमें हम ये निकाल सकते हैं कि जो व्रत बन रहे हैं उसमें व्रत का क्षेत्रफल समय के सापेक्ष किस दर से बढ़ रहा है, या उस व्रत की त्रिज्या समय के सापेक्ष किस दर से बढ़ रही है, क्योंकि वो लगातार परिवर्तित हो रही है। ऐसे मान लो कोई गुब्बारा है उसमें हवा भरी हुई है और हम धीरे धीरे उसकी हवा बाहर निकालने लगे तो गुब्बारे का आयतन धीरे धीरे समय के सापेक्ष कम होने लगेगा। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें लगातार परिवर्तन हो रहा हो, उन भौतिक राशियों में परिवर्तन की दर, या आखिर उसमें परिवर्तन किस हिसाब से हो रहा है, यह ज्ञात करने के लिए हम अवकलन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा विस्थापन। अब विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग। अब जैसे मान लो हमने विस्थापन का प्रतीक दिया एस, विस्थापन का हमने प्रतीक दिया एस, तो विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये बात हुई फिजिक्स के हिसाब से। गणित में इसी को कहेंगे विस्थापन, किसी वस्तु की विस्थापन बदल रहा है, लगातार उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है लेकिन वो समय के सापेक्ष बदल रहा है, तो उसको गणित के हिसाब से प्रदर्शित करेंगे ऐसे ds/dt। ये हो गई विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और गणित में इसी को कहेंगे विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन या डिफरेंशियल। तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन बोलो या विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर बोलो, ये बात एक ही है। तो ऐसी वस्तु में ऐसे परिवर्तन हो रहा है कि उसका विस्थापन लगातार समय के सापेक्ष बदल रहा है, तो उस प्रश्न को हल करने के लिए हमें अवकलन का सहारा लेना पड़ेगा। इसी प्रकार वेग है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में अगर समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं त्वरण। ये तो हमारा वेग हो गया, वेग विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये हो गई वेग, जिसे हम वी कह सकते हैं। और वेग वी में समय टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसको लिखोगे dv/dt, जिसको कहते हो आप त्वरण। और गणित की भाषा में इसी को कहेंगे वी, मतलब वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। तो इस ढंग से हम अवकलन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये प्रदर्शित करने का तरीका है।
लेकिन जब हम अवगलन करने की बारी आएगी कि जैसे मान लो किसी किसी वस्तु का मान लो विस्थापन समीकरण है, विस्थापन समीकरण है s बराबर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ये किसी वस्तु का मान लो विस्थापन समीकरण है। अब ये देखो समय t के सापेक्ष बदल रहा है, तो हम इसका जो अवकलन करेंगे t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो विस्थापन का अवकलन हो गया ds ओवर dt। अब अवकलन करेंगे कैसे, तो देखो हम अवकलन का एक सूत्र यूज करेंगे कि जैसे मान लो हमारा चर राशि अगर x है, अगर मान लो चर राशि x है, अगर x में परिवर्तन हो रहा है तो हम जनरल जो फॉर्मूले तुमको बताएंगे वो x के पदों में बताएंगे कि d ओवर dx, d ओवर dx का मतलब है x के सापेक्ष अवकलन। अब x की घात n का अवकलन करना है तो x की घात n के अवकलन का फॉर्मूला होता है घात n नीचे लाओगे और ऊपर x की घात में से n घात नीचे लाए और ऊपर x की घात में से एक घटा देंगे, ये x की घात n के अवकलन का सूत्र है। यही सूत्र यहाँ पर यूज करेंगे हम कि जो चर राशि है, यहाँ x चर राशि है तो चर राशि की घात नीचे लाए ऊपर घात में से घटा दिया, इसी प्रकार यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ हमारी चर राशि t है तो हम यहाँ t का अवकलन करेंगे, जो घात होगी वो नीचे लाएंगे और ऊपर घात में से घटा देंगे। लेकिन ध्यान रखें हम अवकलन जिस राशि के सापेक्ष करते हैं, अवकलन जिस राशि के सापेक्ष करते हैं केवल वही राशि चर राशि होती है, उसके अलावा जो भी प्रतीक सवाल में प्रयोग करा जाए वो सब कॉन्स्टेंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, जैसे हमने टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, टी का मतलब समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जैसे लिखा हमने डी एस ओवर डी टी, इसका मतलब है कि यहाँ समय केवल चर राशि है तो समय केवल टी चर राशि है, तो आपका ये जो ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है ये कॉन्स्टेंट हो, ये क्या है आपका कॉन्स्टेंट है। और ध्यान देना है कॉन्स्टेंट ऐसी संख्या होती है कॉन्स्टेंट जिसके मान में कभी परिवर्तन नहीं होता, हम परिवर्तन उसी का ज्ञात कर सकते हैं जिसमें हो रहा हो, और जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता उसे कॉन्स्टेंट कहेंगे। और अगर कॉन्स्टेंट के मान में परिवर्तन ज्ञात करोगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट में परिवर्तन होता ही नहीं है तो उसका परिवर्तन शून्य होगा। अब कॉन्स्टेंट को हम कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना है, जैसे यह टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का अवकलन करोगे तो कैसे, यहाँ टी चर राशि है तो इस फॉर्मूले से कि हम घात नीचे लाए दो और टी की घात में से कम कर दिया तो दो में से कम कर दिया, एक घटाएंगे जो भी घात होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे तो टी की घात एक बचेगी, इंटू में जो ए है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट ये देखना है कांस्टेंट का अवकलन करते हुए कि यदि कांस्टेंट चर राशि के साथ गुणा या भाग में है, ध्यान देना बात पे, यदि कांस्टेंट चर राशि के साथ गुणा या भाग में है तो आप कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिखा रहने दोगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ ए, देखो ए जो है वो टी स्क्वायर, टी आपकी चर राशि है तो टी के साथ गुणा में है ना ए, इसीलिए ए को ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, फिर ये अवकलन हो गया। अब इस भाग का अवकलन करें, देखो बी कॉन्स्टेंट जो है वो चर राशि के साथ गुणा में है तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, और अगर चर राशि के साथ भाग में भी होगा तो भी भाग में वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल टी की घात एक का अवकलन करेंगे। जैसे एक घात नीचे लाए और टी की घात में से एक घटा दिया तो एक में से क्या जीरो। अब देखो ये ऐसा भाग आया जहां पर कॉन्स्टेंट के संबंध में यही बात ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टेंट यदि चर राशि के साथ गुणा में है, कॉन्स्टेंट यदि चर राशि के साथ गुणा में है तो वह ज्यों का त्यों रहेगा, भाग में है तो भी ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन यदि कॉन्स्टेंट किसी चर राशि के साथ गुणा या भाग में नहीं है वह स्वतंत्र है तो स्वतंत्र कॉन्स्टेंट का अवकलन सदैव शून्य होगा। यह भी एक फॉर्मूला है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, पहला फॉर्मूला अवकलन का, दूसरा
डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट सी बराबर जीरो, तो सी नहीं बल्कि कोई भी कॉन्स्टेंट हो, आप जिस राशि के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जैसे मान लो हम यहाँ टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो केवल टी ही हमारी चर राशि है, टी के अलावा अंग्रेजी वर्णमाला के 25 में से कोई लेटर आ जाए सब कॉन्स्टेंट माने जाएंगे। ऐसे ही मान लो हम अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x को छोड़कर बाकी सब कॉन्स्टेंट है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा डी ओवर डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स का मतलब है कि अवकलन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ लिख दिया हमने c, तो c कॉन्स्टेंट हो गया, तो कॉन्स्टेंट का अवकलन सदैव जीरो। और कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो तब होगा जब वह स्वतंत्र रूप में है, किसी भी चर के साथ गुणा या भाग में नहीं है। तो यदि कॉन्स्टेंट बिल्कुल स्वतंत्र है, जैसे कि यहाँ सी है तो बिल्कुल अलग है, ये किसी चर राशि के साथ गुणा या भाग में नहीं है, तब इसका अवकलन जीरो होगा। और वो किसी चर के साथ गुणा में है, जैसे देखो यहाँ टी के साथ बी गुणा में है तो टी स्क्वायर के साथ ए गुणा में है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो अब इस वैल्यू हो गई 2t प्लस बी और टी की घात जीरो, जब किसी संख्या की घात जीरो हो जाती है तो वैल्यू वन, तो ये आंसर हुआ 2ta प्लस बी। तो ये वैल्यू हो गई ds ओवर dt की, जिसे आप वेग कह सकते हो, क्योंकि विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो ये वेग का समीकरण बन गया इस तरीके से, ये आपका वेग का समीकरण हो गया। अब देखो इसी पे आधारित एक अवकलन और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है विस्थापन s बराबर, मैंने ले लिया 3t4 माइनस 2t2 प्लस 1/3 माइनस 5। जैसे इसका अवकलन करना है, तो अब देखो इसका अवकलन करने से पहले देखो ये तीन कॉन्स्टेंट है लेकिन t के साथ गुणा में है, इसलिए ऐसे ही रहेगा। केवल आप t की घात 4 का अवकलन कर लोगे, 4 घात नीचे लाओगे ऊपर घात में से घटा दोगे, या दो कॉन्स्टेंट ये t के साथ गुणा में ऐसे रहेगा, टी स्क्वायर का अवकलन कर लोगे, घात दो नीचे ले आओगे ऊपर घात में से घटा दोगे। लेकिन ये देखो लिखा है 1/3, इसमें चर राशि बटे में आ गई, इसमें चर राशि को पहले आप ऊपर ले जाओगे अवकलन करने से पहले, देखो √t² प्लस टी की घात 1 है ऊपर ले जाते माइनस 1 और माइनस। अब देखो अवकलन करें टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ds ओवर dt, देखें तीन कॉन्स्टेंट गुणा में है, टी के ऐसे रहेगा, केवल टी की घात 4 का अवकलन, 4 में से टी की घात रहेगी 3, दो कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर के साथ गुणा में है तो ऐसे रहेगा, टी स्क्वायर का अवकलन हुआ 2 नीचे लाए और टी की घात रहेगी 1 प्लस, यहाँ माइनस 1 घात नीचे लाओ और टी की घात में से घटाओ तो माइनस 1 में से घटाओगे माइनस 2 और माइनस 2 को 5 आपका प्योर कॉन्स्टेंट है, ये किसी भी चर राशि के साथ गुणा या भाग में नहीं है, इसलिए इसका अवकलन 0 है। तो देखो वैल्यू हो गई 4 × 3 = 12 टी क्यू माइनस 2 में 4t और ये माइनस माइनस प्लस माइनस टी की घात माइनस 2, ये हो गया आपका ds ओवर dt का मान या विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर या वेग। तो ये आपके वेग का समीकरण बन गया। इस तरीके से हम लोग भौतिक विज्ञान में एक्स की पावर एन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अभी अवकलन का एक सूत्र साइन और कॉस के अवकलन हमें और समझने हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा।